नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफर, आपका कोच शशांक देशपांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। पिछले चार लेसन्स में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें सीखी है। फ्लूट फॉर बिगनर्स इस सीरीज़ में आज का ये हमारा पांचवा वीडियो लेसन है। इसमें भी हम लोग थोड़ी बहुत बेसिक बातें ही समझेंगे। जब तक हमारा बेस पक्का नहीं होता है, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का बेस एक पक्का हो जाए, आप लोगों की एक शुरू की समझ जो है वो अच्छी बने, और समझ से ही आगे हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ बजा पाएंगे। अगर समझ ही थोड़ी कम है, कमज़ोर है, तो फिर कहीं अगर सुर आपका कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपनी समझ को डेवलप करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग तानपुरे के साथ हमारी फ्लूट को मैच करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग तानपुरे के साथ फ्लूट को मैच करते हैं। देखिए, ये तो एक आदत है, हम लोग जब भी फ्लूट बजाते हैं, कोई भी फ्लूटिस्ट हो, तो उसकी एक अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ जो ट्यूनिंग होती है, उसकी उसके रखने की एक स्टाइल, और वो कितना ऊपर रखता है, कितना नीचे रखता है, जो कोई भी वादक है, और उसकी फूक करने की जो स्टाइल है, तो वो अपने आप वो मैच हो जाती है, ट्यून हो जाती है। तो लेकिन बिगनर्स के लिए ये कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत होती है बिगनर्स के लिए इन सब बातों की, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि फ्लूट को सीधा रखना है, ऐसा रखना है, या थोड़ा नीचे रखना है, थोड़ा पीछे रखना है, थोड़ा आगे रखना है, या एकदम ऐसा रखना है, कैसे उसको पकड़ना है। और तानपुरे के साथ जब भी हम लोग सा लगाते हैं, तो वो सा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही थोड़ी बहुत बातें हम लोग इसमें आज सीखेंगे। आज इस लेसन के लिए मैं जी शार्प की फ्लूट यूज़ कर रहा हूँ, जी शार्प यानी काली चार की, और देखते हैं इसको हम लोग कैसे मैच करते हैं। देखिए, जब भी आप शर्ज लगाएंगे, तो ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए मैं कैसे उसको लगा रहा हूं। मैं निषाद से लगा रहा हूं, पर थोड़ा सा अगर मैं जोर से, प्रेशर से अगर इसको फूंकूं, तो सुर की जो श्रुतियां हैं वो बढ़ती है, हल्का सुर चढ़ा लगता है। थोड़ा मैं कम प्रेशर से फूंकूं, तो हल्का सा सुर कम लगता है। तो ये हर एक की अपनी अपनी एक समझ होती है कि उसको कितना जोर से, कितने प्रेशर के साथ हमें फूंकना है, ताकि वो 100% मैच हो। सबसे पहले ये देखना है आपका जो शर्ज है, उसको आप नॉर्मल प्रेशर से अगर फूंकते हैं, तो क्या वो तानपुरी के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नॉर्मल प्रेशर के साथ आप उसको फूंक रहे हैं, और तानपुरा अगर कुछ कम है, तो उसको उठाइए, हल्का सा फाइन ट्यून कीजिए, या अगर तानपुरा ज़्यादा है आपका इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, तो उसको सेटिंग में जाके उसको फाइन ट्यून में थोड़ा सा कम कीजिए, ताकि वो आपके नॉर्मल फूंक के साथ वो मैच हो जाए। मैं देख रहा हूं भी वो मैच होता है कि नहीं, देखिए।
तो ये 100% मैच हो रहा है। मैंने शर्जा लगाया और पंचम लगाया। इसके बाद अभी हम एक एक सुर को तानपुरे के साथ मैच करेंगे। देखिए तानपुरे में से सिर्फ दो ही स्वर निकलते हैं, शर्जा और पंचम। जो तानपुरे के तार बजते हैं चार तार, उसमें से एक पंचम की तार होती है और बाकी तीन शर्ज की तार होती है। लेकिन हम लोग, हमारा रे, गंधार, मध्यम, धैवत, निषाद, ये हर एक सुर उस सा के रेफरेंस में हम लोग चेक करेंगे। तो इसके पहले हमें इसकी समझ को डेवलप करना है। अगर आप में वो समझ है तो बहुत अच्छा है, आप भाग्यवान हो, क्योंकि ये जो समझ की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये कोई किसी के दिमाग में नहीं डाल सकता। भगवान ने अगर आपको ये समझ दी है तो आपके पास है। अगर आपको सुरों की जान पहचान दी है तो आप बहुत भाग्यवान हैं, नहीं तो दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको सुर समझता नहीं। और अगर हम उनको बोलेंगे कि आप इस सुर को लगाओ, गले से निकालो, तो वो नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको वो समझ नहीं है। हमें हमारे सा के रेफरेंस में इन सुरों को देखना है। तो हम एक एक करके सुर देखेंगे और उसको फ्लूट और तानपुरा, इन दोनों को हम लोग मैच करते जाएंगे। Thank you.
ध्यान से देखा है तो आप समझ जाओगे मैंने एक सुर को कनेक्ट करके दूसरे सुर को लगाया और हर वो सुर को सा के रेफरेंस में मैंने लगाया, सा से लेके रे, सा से लेके ग। तो इन दोनों की जो दूरी होती है, हर सुर के बीच की जो दूरी होती है, जो अंतर होता है, वो ही अंतर हमको समझना है। और उसी अंतर को अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो सुर चेंज होता है, अगले सुर में हम लोग जाते हैं या पिछले सुर में जाते हैं। और कई अगर हम लोग बीच में रुक जाते हैं उस अंतर को, तो वो सुर बेसुर होता है। तो बेसुर होना इसका मतलब क्या है कि दो सुरों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो अंतर है, उस अंतर के कई हम लोग एग्जैक्ट ये सुर से ये सुर तक नहीं पहुंचते, हम लोग कहीं पहले पहुंच जाते या तो फिर थोड़ा सा आगे पहुंच जाते, तो उसको हम लोग बेसुर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो हमें हमारे सुरों को स्टेबल करना है, स्थिर करना है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, बांसुरी में सुर को स्थिर और दीर्घ बजाने का प्रयास हमें करना है जितना हम लोग, क्योंकि बांसुरी जो है वो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ से उसको अगर ये हिल जाता है तो वो सुर बेसुर हो जाता है। कभी कभी यहाँ पसीना आ जाता है बजाते बजाते, तो वो पसीने की वजह से स्लिप होता है, बांसुरी स्लिप होती है, तो उससे भी सुर बिगड़ता है। आपकी फूंक अगर थोड़ी सी प्रेशर ज़्यादा हो गई तो सुर बिगड़ता है, कम हो गई तो सुर चेंज होता है। तो बांसुरी जो है वो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए आपको शुरुआत में, अगर आप बिगनर है तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि सुर को हम लोग कैसे दीर्घ और स्टेबल रख सकते हैं। बाद में हमको फिंगरिंग और फ्लूट की जो बाकी टेक्निक्स है वो तो सीखना ही है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका अभ्यास निरंतर करें जब तक आपका सुर पक्का नहीं होता। तो आज इस लेसन में हम लोग यही सीखेंगे कि हमारे तानपुरे के साथ हम एक एक सुर को कनेक्ट कैसे करेंगे, उसको सॉफ्टली एक दूसरे के साथ मर्ज कैसे करते जाएंगे, और मर्ज करते करते हम एक सुर के छोड़ के दूसरे सुर को पकड़ेंगे तो वो हमारा सुर एकदम परफेक्ट लगे। तो आप मेरे पीछे, अगर आपके पास जी शार्प की फ्लूट है तो आप मेरे साथ साथ बजा सकते हो, नहीं तो आपके पास जो भी फ्लूट है तो ये लेसन सुनने के बाद आप उस फ्लूट के ऊपर प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास जी शार्प है तो आप अभी अभी मेरे पीछे पीछे भी बजा सकते हो। हम लोग थोड़ी सी लय बढ़ा के भी अब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्लो में हम लोगों ने बजा लिया है। धीरे धीरे हमको थोड़ी सी लय बढ़ा के उसी सुर को हम लोग कैसे स्टेबल रख सकते हैं इसका प्रयास करेंगे।
आपने अगर गौर से देखा है तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक सांस में बजाने का प्रयास किया है, ऊपर के पंचम से मध्य पंचम तक और मध्यम से मंद्र के पंचम तक, ऐसे दो बार मैंने दो सांस में बजाया। एक सांस में मैंने आधा बजाया और दूसरे सांस में आधा बजाया। मैं उसको तोड़ के भी बजा सकता हूँ, हर जिसको हम लोग टंगिंग कहते हैं तो वैसे टंगिंग में भी बजा सकता हूँ, लेकिन शुरुआत में आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो सुर को बिना तोड़े, बिना कट किए, बिना टंगिंग किए उसको एक सांस में हम लोग कैसे बजा सकते हैं और कैसे उसको स्थिर रख सकते हैं, ये प्रयास करना है। तो मैं आपको दोनों बजा के दिखाता हूँ, सुर को यानी सांस को तोड़ के, यानी हर सुर के लिए अलग अलग मैं टंग करूँगा, अलग 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 प्रेशर से बजाऊँगा, एक ही साथ एक ही सांस में नहीं बजाऊँगा। तो दोनों प्रकार से आप देखिए कैसे बजता है। दूसरे प्रकार से दोनों में अंतर है और दोनों की अपनी अपनी एक खासियत है, तो आपको शुरुआत में लेकिन कंटिन्यू जितना ज़्यादा आप बजाएंगे उतना अच्छा है। और जैसे जैसे हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उसमें ये टंगिंग की भी हम लोग टेक्निक जो है वो सीखेंगे, समझेंगे कि टंगिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितना किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस लेसन का आप अभ्यास करें और सबसे पहले अपने सुरों को आप पक्का करें, तानपुरे के साथ उसे मैच करना सीखे, मैच करने की जो समझ है उस समझ को आपको डेवलप करना है। और जैसे जैसे ये समझ डेवलप होती जाएंगी, हम लोग जब कोमल सुरों का अभ्यास करेंगे या फिर कुछ रागों का अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको ये सब काम में आने वाला है। क्योंकि मैं अगर आपको कोई कोमल सुर का राग सिखाऊँगा तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि हमारा कोमल गंधार लग रहा है कि नहीं, कोमल ऋषभ लग रहा है कि नहीं, कोमल निषाद लग रहा है कि नहीं, तो वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा। और उसी के लिए मैं कहता हूँ कि आपकी समझ जो है वो सबसे पहले हमें डेवलप करनी है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप आगे और आसानी से सीख पाओगे। यहाँ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।